अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उबैश शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एरा। टेक्नोलॉजी एरा के प्लेटफॉर्म से जैसा कि मैं आपके लिए डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रेलेवेंट वीडियोस, डिफरेंट फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलेवेंट वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, तो इस तरीके से आज आपके लिए मैं जो है वो ऑनलाइन अर्निंग मैथड से रेलेवेंट वीडियोज़ लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है स्टडी पूल। बेसिकली स्टडी पूल एक ऐसी वेबसाइट है जिसका मैं इसको डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट इस पर साइन अप है और मैं इस पर वर्क करता रहता हूँ। और कोई भी वीडियो मैं ऐसे नहीं बनाता कि जब तक मैं उस पर काम नहीं कर लूँ, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर लूँ, उससे एक्सपीरियंस नहीं ले लूँ, फिर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है, लेकिन मैं ये अगेन ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। और फ्रीलांस जो काम करने वाले फ्रीलांसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो घर पे बैठ के जो जॉब सीकिंग फ्रीलांस हैं हमारे, जो फ्रीलांस कम्युनिटी है और जो जॉब देख रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वो इस वेबसाइट पे भी हैं और यहाँ से भी अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करें। और ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो कि फ्रीलांस फील्ड में नए हैं या फ्रीलांस फील्ड में अपने कैरियर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो वो इस जो है वो प्लेटफॉर्म को भी ट्राई करें और यहाँ से भी अपना अच्छा खासा एक पैसिव इनकम, एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो यहाँ से जनरेट करें। तो सिंपली मैं आपको बता रहा था कि स्टडी पूल के बारे में कि थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये एक बेसिकली एक जो है वो वेबसाइट है। आप देख सकते हैं ओवर 20 मिलियन होमवर्क एंड स्टडी डॉक्यूमेंट, जो आपके स्टडी डॉक्यूमेंट होते हैं सिंपली वो आपने यहाँ इस वेबसाइट पे आपने अपलोड करने हैं। और सिंपली जब कोई भी स्टूडेंट आएगा और यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कहते हैं वो डाउनलोड करेगा, तो उससे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सिंपली मैं जो है वो चला जाता हूँ, आप ये देख सकते हैं सेल डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इतनी डिटेल में इस वेबसाइट की मतलब आपको डिटेल चीज़ें नहीं बताऊँगा। आप देख सकते हैं, अच्छा ये ऑल सब्जेक्ट्स हैं, आप इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, बिज़नेस के ऊपर कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, साइंस, राइटिंग, हेल्थ एंड मेडिकल, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। आप इन सारी के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ये मेन कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है। लाइक हम बिज़नेस से शुरू करते हैं तो ये बिज़नेस की सब कैटेगरीज आ जाती हैं, ह्यूमैनिटीज़ की सब कैटेगरीज आ जाती हैं, इस तरीके से मैथमेटिक्स की सब कैटेगरीज आ जाती हैं, प्रोग्रामिंग की। आपके अकॉर्डिंगली आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप उसके ऊपर काम करें सिंपली। और यहाँ से आपने जाना है सेल डॉक्यूमेंट के ऊपर, कि जब आपने उस पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आपने सेल डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है। आप देख सकते हैं अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट, जो भी स्टडी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपने इसके ऊपर अपलोड करने हैं। बेसिकली मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएँ। और आपने यहाँ पर सिंपली आपने आना है डायरेक्टली, आप लैंड इसके लैंड पेज पे आप लैंड कर जाएंगे। सिंपली आपने जीमेल से अकाउंट साइन अप करना है और इस पर आप वर्क स्टार्ट कर दें। अच्छा, जो आपने इसमें करना है, जो आपके करने और नहीं करने की चीज़ें, वो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि मैक्सिमाइज अर्निंग्स, आपने इन सारी चीज़ों को आप रीड कर लीजिएगा, खुद से भी आप रीड कर लीजिएगा कि हाई क्वालिटी एड डॉग डिटेल मीनिंगफुल, यानी कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, स्टडी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, डिटेल्ड होने चाहिए एंड मीनिंगफुल होने चाहिए। और जो नहीं होने चाहिए, लो क्वालिटी, बैड टाइटल, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए सिंपली, ठीक है। इस तरह के आपके डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। ये गुड कंटेंट एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई और ये बैड कंटेंट एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं, तो आप खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि आपने इस पर करना क्या है। सबसे पहले आपने अपना गूगल डॉक्स ओपन कर लेना है, गूगल डॉक्स सबके पास ही होता है, आपने गूगल डॉक्स ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने चैट जीपीटी पर आ जाना है, लेकिन उससे भी पहले आपने यहाँ से कोई भी अपने माइंड में या कोई भी आपने सब्जेक्ट जो है वो आपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप आए के काम किसके ऊपर करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें दो तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, एक तो सिलेबस की फॉर्म में कि आपके पास कोई सिलेबस है तो वेल एंड गुड, मैट्रिक का, इंटर का, किसी बैचलर प्रोग्राम का अगर आपके पास कोई सिलेबस है तो आप उस पर डायरेक्टली अपने मोबाइल से उसको मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके मोबाइल स्कैनर जो है वो आप डॉक्यूमेंट स्कैनर जो है वो आप इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से, और वो आप सिंपली जो है वो सारा का सारा सिलेबस आप यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है। मैं आपको बता रहा था डूज और डॉन्ट के बारे में, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि आपने किस तरह की हाई क्वालिटी, आप देख सकते हैं कि आपने लो क्वालिटी और एक हाई क्वालिटी, तो आपने लो क्वालिटी इमेज का आपने ख्याल रखना है, तो उसके लिए स्कैनर बेस्ट है, स्कैनर की ऐप बेस्ट है, तो डॉक्यूमेंट स्कैनर, तो आप वो करके वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो आपने सिंपली जो है वो करना क्या है, आपने सिंपली यहाँ से
चैट, यहाँ से पहले कोई भी सब्जेक्ट अपने माइंड में अपने देख लेना है, उसके बाद आपने सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे आपने प्रॉम्प्ट देना है, लाइक मैं यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट पहले मैं देख लेता हूँ कि मैं अपने जो है वो किसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। सपोज़ मैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली अगर करना चाह रहा हूँ तो मैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली कोई भी जो है वो मैं यहाँ से सब कैटेगरी पहले मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं तो कोई भी मैं कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। लाइक मैं HTML CSS सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा HTML CSS, तो मैं लिख लेता हूँ कि आई वॉन्ट टू राइट शॉर्ट नोट अबाउट HTML एंड CSS इन डिटेल्ड। सॉरी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। एंड टू द पॉइंट, एंटर का बटन हमने सिंपली प्रेस करना है, एक छोटा सा हमने प्रॉम्प्ट देना है। अब ये चैट जीपीटी थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद जो है वो हमें एक अच्छा सा हमें HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से रेलेवेंट जो है हमें उसने हमें एक अच्छी सी उसने हमें एक जो है वो नोट लिख के दे दिया। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ से इसको सारा का सारा हमने यहाँ से इसको करना है कॉपी। हम यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, ये सारा का सारा इसने लिख के जो दिया था। अच्छा, यहाँ आपने अब आपका यहाँ काम शुरू होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जो स्टडी पूल की जो हमसे डिमांड है कि यहाँ पे अगर हम आते हैं, स्टडी पूल कह रहा है कि एक तो हाई क्वालिटी, अगर आपके पास सिलेबस मौजूद है तो ठीक है, और अगर नहीं, अगर आप डॉक पर करना चाहते हैं तो आप डिटेल्ड आप जो है वो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में बहुत शॉर्ट करके दिखाया है, आप अच्छे से प्रॉम्प्ट देके और चैट जीपीटी से डिटेल्ड भी लिखवा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चैट जीपीटी का आपको इस्तेमाल करना कितना अच्छा आना चाहिए। और यहाँ पे इसकी सारी की सारी अच्छी सी एडिटिंग करके, ड्राफ्टिंग करके, सिंपली एक डॉक इसको कंप्लीट डॉक्यूमेंट करके मैं इसको पूरा आपको करके इस एक वीडियो में नहीं मतलब परफॉर्म कर सकूँगा, इस तरह वीडियो लंबी होगी, आप इरीटेट होंगे आप लोग। तो सिंपली मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आपको जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म की हैं कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको बेसिकली वर्क करना किस तरीके से। और सिंपली आपने यहाँ से सारा का सारा आप समझ गए होंगे स्ट्रैटेजी कि आपने इसको अच्छी सी ड्राफ्टिंग करके आपने इसको PDF में लेके यहाँ से आप सिंपली फाइल में जाएंगे और यहाँ से आप जब आप इसकी ड्राफ्टिंग अच्छे से कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली इसको डाउनलोड पे जाके और आपने यहाँ पे इसको PDF डॉक्यूमेंट में आपने इसको डाउनलोड करना है सिंपली। ठीक है, आपने यहाँ से इसको सिंपली PDF डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो गया PDF में। आपने इसको उसके बाद आपने स्टडी पूल पर आना है और स्टडी पूल पे आप यहाँ पे जैसे सेल आप यहाँ पे जाएंगे सेल डॉक्स पर और सेल डॉक्स पर जाके आपने यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि अपलोड मोर फाइल्स, तो आपने यहाँ पे अपलोड फाइल्स का जो है वो इस बटन पे आपने क्लिक करना है और सिंपली जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट पड़ा होगा वहाँ से उठा के आपने डाउनलोड कर लेना है। अपलोड योर डॉक्यूमेंट टू अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट व्यूड, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट व्यू करेगा उसके ऊपर। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट आपका डॉक्यूमेंट व्यू करेगा, और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेड हैं आप देख सकते हैं, और जो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ 30 मोस्ट रिसेंट, मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने लिखा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नोट्स मैंने डाले थे, MBA के ऊपर मैंने नोट्स डाले थे, बायोलॉजी सिलेबस मैंने इसके अंदर ऐड किया था, नोट्स फाइनल मैंने इसके अंदर ऐड किया था, इसके अंदर मैंने बॉटनी थ्योरी मैंने इसके अंदर ऐड करी थी, बायोलॉजी नोट्स अगेन मैंने जो है इसके ऊपर ऐड किया था, और ये मेरा सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जिसका मैं टाइटल जो है वो यहाँ पे देना भूल गया था, लेकिन वो भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये मिस्टेक आपने बार बार नहीं करनी क्योंकि मुझसे सिर्फ जस्ट वन टाइम मिस्टेक हुई थी, लेकिन मेरे आप तमाम डॉक्यूमेंट पे देख सकते हैं कि अच्छे से टाइटल्स हैं,
जैसे आप देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इसका टाइटल है, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका टाइटल है, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर इसका टाइटल है, बायोलॉजी सिलेबस इसका टाइटल है बेसिकली। तो इस तरीके से आपने जो है वो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 के 8 डॉक्यूमेंट मैंने इसके ऊपर अपलोड किए थे जो कि अप्रूव हुए हैं, एक भी मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ है और एक भी मेरा पेंडिंग में नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्यू आवर्स लगते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो है वो, कभी कभी तो फ्यू मिनट्स में आपका जो है डॉक्यूमेंट अप्रूव जो है आपका अप्रूव हो जाता है सिंपली। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, ऑथेंटिक लगी होगी। एक चीज़ मैं इसके बारे में आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं, एक चीज़ में आपकी आपके नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ से आपको मिल जाएंगे, आप अपने नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट आपने बहुत कोशिश करनी है कि आपने बहुत जो है वो देख के और ध्यान से, अगर तो आपके पास सिलेबस है डायरेक्ट तो आप वो उसको सिलेबस भी आप इसका डायरेक्टली जो है वो आप इसका अपलोड कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट पे आपने जाना है और इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी सेल योर डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगेन जैसे ये विंडो अपलोड हो जाती है, अच्छा सिंपली मैं आपको उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ रह गई थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, सिर्फ सिंपली आपने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मेन्यू का बटन, आपने यहाँ पे मेन्यू पे जाना है। अब आप कहेंगे कि विड्रॉ, मैं सिर्फ आपको इसमें विड्रॉ का दिखा रहा था कि विड्रॉ आप किस तरीके से लेंगे इस वेबसाइट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आया है माई बैलेंस का, आप माई बैलेंस पर जाएंगे जब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह एक्सेप्ट हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और सिंपली आप यहाँ पे विड्रॉ मनी के बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड। जैसे ही ये ओपन हो जाता है, और ये ओपन हो गया, लोड हो गया ये पेज, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं मनी विड्रॉ करने के, पेयोनीर, पेपैल। पेपैल जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है तो उसको आप रहने दें, वायर है, और वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी आप जो है वो, एक अच्छी बात है कि आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी मनी यहाँ से अपनी जो भी अर्निंग्स हैं वो अपनी यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन $10 जो है वो फ्लैट फी आपकी जो है डिडक्ट होगी, और 1-3 बिजनेस डेज में आपको ड्रॉबैक एक यही है कि 1-3 बिजनेस डेज में आपको आपके जो पैसे हैं वो आपको मिलते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं और डिफरेंट पेमेंट मेथड्स भी हैं और डिफरेंट उनकी जो है वो फ़ी भी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेयोनीर को सिलेक्ट करें, क्योंकि पेयोनीर की जो जो फ़ी है जो जो डिडक्ट होगी वो $3 डिडक्ट होगी, लेकिन इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब ये होता है कि फौरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और पेयोनीर से आप अपने जैस कैश, इजी पैसा, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो जैस कैश, इजी पैसा में आप सिंपली आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेयोनीर से रेलिवेंट बहुत वीडियोज़ हैं, वो बल्क में वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पर हैं। अगर आपका पेयोनीर पर अकाउंट नहीं है तो सिंपली आप जीमेल से साइनअप करें, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करें और अपना अकाउंट आप साइनअप करें, पेयोनीर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और जो पाकिस्तान से बाहर के भी जो लोग, जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, तो मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा पेयोनीर से ही जो है वो, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, वहाँ से भी लोग देख रहे हैं, तो व्यूवर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि पेयोनीर से ही वो जो है विड्रॉ करें, क्योंकि पेयोनीर इंस्टेंट जो है वो आपके अकाउंट में, बस फ़ायदा ये कि फौरी आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन $3 फी आपकी डिडक्ट होती है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप गाइस कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आपको ये वैल्यूबल वीडियो बहुत आप ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको बहुत वैल्यूबल लगी होगी। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।